चलो चलो नीचे उतरो। क्यों? अरे उतरो तो सही। अब पूछो कि हमने दूसरा थप्पड़ क्यों मारा? ये हमने गुस्से में नहीं मारा, ये हमने इसलिए मारा ताकि तुम्हें पहला थप्पड़ याद रहे। स्वर्गीय दीनानाथ मास्टर कहा करते थे कि इंसान के मुंह पर दूसरा थप्पड़ पड़े तो उसे गलती करने पर खाया हुआ पहला थप्पड़ याद रहता है। तैयार है तैयार, बहुत जोर से भूख लगी है, वरना आज हम अच्छी तरह समझा के जाते। समझ गया ना चेतक? जानते हो जो कुछ भगवान ने बनाया है सब में जान होती है, इन्हें भी सुख दुख का एहसास होता है। ये भोरे भाले जंगल के जानवर, ये लहलहाते पेड़ पौधे, नदियाँ, झरने, पहाड़, अरे इसमें हंसने की क्या बात है? विश्वास नहीं होता ना तुम्हें, कभी इनसे बात करके देखो, जवाब देते हैं ये। अरे शेरी बाबू तुम तैयार है? तैयार, एक ही थप्पड़ में हमारी बात समझ गए। अरे हम तो स्वर्गीय दीनानाथ मास्टर हो गए। स्वर्गीय? तुमने कल भी यही बात कही थी, भला ये दीनानाथ मास्टर है कौन जो स्वर्गीय होने के बाद भी तुम्हारी जुबान पर बैठे हुए हैं? वो तो हमें भी नहीं मालूम, पर तुम एक बात तो बताओ कि तुम्हें हमारी बात इतनी जल्दी कैसे समझ में आ गई? तुम्हारे करारे थप्पड़ की वजह से। वो तो आनी ही थी, शुक्र करो एक ही थप्पड़ में आ गई। तैयार है दैया, जानना पहचान बात करते ही चले जा रहे हो। जान पहचान तो कल ही हो गई थी उस बेचारे जानवर की वजह से। वैसे लगता है कि तुम अब भी मुझसे नाराज हो। नाराज तो थे हम, फिर हमने सोचा पल्लवी ये शहरी बाबू तो तेरी तरह जानवर से प्यार करने लगा है तो कर दे दुश्मनी खत्म, सो कर दी। अब हम ये सोच रहे हैं कि तुम्हें क्या कह के पुकारे। मेरा नाम राजा है। हमने पूछा तुम्हारा नाम, राजा हो या गंगू तेली हमें क्या लेना देना, तुम बोलते बहुत हो। वैसे हम ये सोच रहे हैं कि तुम्हें साथी कह के पुकारे। साथी? साथी का मतलब समझते भी हो कि नहीं? नहीं, समझा दो ना। ओफो, क्या क्या समझाना पड़ेगा तुम्हें। साथी का मतलब होता है जन्म जन्म साथ निभाने वाला, जिसके साथ रहने को जी चाहे, जिससे बातें करने को जी चाहे, और जिसके मुंह पर थप्पड़ मारने को जी चाहे। वो तो हमने गुस्से में मार दिया था, उसी में इतनी जोर से थोड़ी ना मारते हैं। लो हम भी यहाँ खड़े खड़े तुम्हारी बातें सुन रहे हैं और यहाँ पेट में चूहे कूद रहे हैं। अच्छा हम जाते हैं, बहुत जोर की भूख लगी है। लो हमारी अकल भी मारी गई है, अभी अभी तुम्हें साथी कहा और अकेले चल दिए खाना खाने। अब खड़े खड़े हमारा मुंह क्या देख रहे हो, चलो हमारे साथ, हम उस पहाड़ी के पीछे रहते हैं। तो आ जाओ घोड़े पे, जल्दी घर पहुंच जाओगी। ना बाबा ना, एक जवान लड़का और एक जवान लड़की एक साथ घोड़े पे नहीं बैठते। क्यों? ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। तो समझा दो ना। वो भी समझा दूंगी बाबा, पहले घर पे तो आओ। चल। तुम क्या उड़कर आ गए? तो क्या तुम समझते हो कि तुम्हारा घोड़ा ही हवा से बातें कर सकता है? जानते नहीं जवान लड़कियाँ हवा की तरह इधर उधर घूमती है जैसे कि तितलियाँ। ओ, तो ये आपके स्वर्गीय दीनानाथ मास्टर ने कहा होगा। अरे तुम्हें कैसे मालूम? वैसे ये बात तो बाबा बताते हैं। तुम्हारे बाबा और मास्टर जी की कही हुई बातें इलाके के सब लोग जानते हैं? हाँ सो तो है। अरे तुम अभी तक खड़े हो, बैठो ना साथी। ये देखो हमारे बाकी मीठे मीठे फल, खाओ ना। अब बताओ कि एक जवान लड़का और एक जवान लड़की एक साथ घोड़े पर क्यों नहीं बैठ सकते? तुम तो एकदम बुद्धू हो। स्वर्गीय दीनानाथ मास्टर कहते थे कि शादी से पहले लड़का लड़की से टकराता है तो क्या होता है? बिजली कड़कती है। फिर? बेचैनी होती है। फिर? दिल पे अधिकार नहीं रहता। फिर दिल ऐसी जगह ले जाता है जहाँ से अकेले लौट नहीं सकते। ऐसा क्यों होता है पल्लवी? लो अब ये भी मुझे बताना पड़ेगा। तैयार है तैयार, कैसे बेशर्म हो अनाड़ी कहीं के। उन दोनों में ये कैसा धमाका था? वो पीछे पहाड़ी है ना, वहाँ पे बारूद लगा के चट्टाने तोड़ते हैं। हर बार धमाके पे ऐसा ही भूचाल आता है क्या? अरे ये तो कुछ भी नहीं है,
कभी कभी रात को जब बड़ी चट्टान तोड़ते हैं ना, तो इतनी जोर से धमाका होता है कि हमारी झोपड़ी पीपल के पत्ते की तरह काम जाती है, और सोते सोते हम बाबा के बिस्तर पे पहुंच जाते हैं और बाबा हमारे बिस्तर पे। इसमें इतना हंसने की क्या बात है, मैं कोई झूठ बोल रही हूँ? सिर्फ झूठ नहीं, महाझूठ। अरे ये तो वही बात हो गई कि बादल में बांस डाला और बारिश हो गई। बंडलबाज। क्या मैं बंडलबाज हूँ? थोड़ी देर ठहरो, सब पता चल जाएगा। स्वर्गीय दीनानाथ मास्टर कहा करते थे, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को। अब समझ में आई फारसी? हाँ, अच्छी तरह से। तो इसी बात पे हम तुम्हें गर्मा गर्म चाय पिलाते हैं, वरना बाबा आ गए तो कहेंगे मेहमान को चाय तक नहीं पिला। पल्लवी बेटे, लो बाबा आ गए। बड़ी लंबी उम्र है हमारे बाबा। अरे किसके साथ बड़बड़ कर रही है बिटिया? नमस्ते जी। जीते रहो बेटे। कहीं ये वो नौजवान तो नहीं जिसके गाल पे कल तूने चांटा मारा था? चुप रहो ना बाबा, बिचारी को क्यों याद दिला रहे हो, उसका गाल दुखने लगेगा। हाँ हाँ, और इसी के लिए तूने मेरी रात भर नींद हराम कर दी थी। हाँ बेटा, ये रात भर तुम्हारे बारे में बड़बड़ाती रही, मैं तो मुंह फेर के सो गया, और ये पगली समझी कि मैं हिरण की और तुम्हारी कहानी सुन रहा हूँ। इसका मतलब बाबा तुमने हमें उल्लू बनाया? नहीं नहीं, मैंने नहीं, ऊपर वाले ने। बाबा। अरे मेरी भोली बिटिया, तू अच्छा एक काम कर, ये ले शनिवार को डाकखाने में जमा करा देना। एक मिनट, मुझे दे, तू भूल जाएगी, मैं खुद ही जमा करा दूंगा। हम तुम्हारी इतना भुलक्कड़ थोड़ी है, अब खाने के समय कोई काम दोगे तो भूल ही जाएंगे ना। लाओ पैसे। हाँ, लेकिन याद करके बेटे जमा करा देना। हाँ करा देंगे। और हाँ बेटे, तुमने कुछ खाया वाया कि नहीं? नहीं शुक्रिया, मैं चलूंगा। ठीक है बेटे, जैसे तुम्हारी इच्छा। ओके सर। बेटे जाओ, मेहमान को बाहर तक छोड़ाओ। हाँ चलो। अच्छा चलो पल्लवी, फिर मिलेंगे। पल्लवी नहीं, साथी, इतनी जल्दी भूल गए? अच्छा बाबा माफ कर दो साथी। सी यू। चल बेटा। मैं तो ये सोच भी नहीं सकता था कि इस पहाड़ी जंगल में तुमसे मुलाकात हो जाएगी। ये हमारा इलाका है राजा, यहाँ से उस तरफ जहाँ तक तुम्हारी नजर जाएगी ये मेरे पापा शमशेर सिंह राणा का इलाका है। लेकिन ये बताओ तुम हमारे इलाके में क्या कर रहे हो? जरा सी नजर घुमाओ इलाका बदल जाएगा। यहाँ से जहाँ तक तुम्हारी नजर जाएगी मेरे डैडी सूरज भान सिंह की हुकूमत है। तो फिर हम पड़ोसी भी हो गए। ये तो बताओ पड़ोसन, यहाँ अकेली क्या कर रही थी? एक तस्वीर बना रही थी। किसकी? किसी की भी हो, क्यों बताए? हम खुद देख लेंगे। नहीं राजा, अभी अधूरी है। अरे दिखाओ तो सही। प्लीज राजा, जिद मत करो। अब तो हम देख कर ही रहेंगे। राजा दिखाओ। नहीं राजा, दिखाओ मुझे। नहीं प्लीज, देखने दो। मधु बिटिया, राणा साहब ने तुम्हें घर बुलाया है, जल्दी। चलती हूँ राजा, जब तस्वीर पूरी हो जाएगी तब दिखाऊंगी। ओके बाय। बाय। देख के चलिए ना काका। हाँ बिटिया, हम ही ना देख सके कि तूफान मेल आ रहा है। राम। क्या बात है मधु, तेरे चेहरे पर इतने गुलाब क्यों खिले हुए हैं? किसी से शर जीत कर आई है क्या? ऐसा ही समझ लो माँ, तुम्हारी बेटी अब कभी नहीं हारेगी। आखिर बेटी किसकी है? सुना तुमने, मधु ने अब ना हारने की कसम खाई है। तुम्हें अपना जो बनाना है। yeah!
चले जाओ यहां से। अंकल आप दोबारा हमारे इलाके में कदम मत रखना, शायद हम तुम्हें दोबारा माफ न कर सकें। हमारे इलाके की जमीन दुश्मनों के खून की प्यासी रहती है। लेकिन आपकी मुझसे क्या दुश्मनी है? इसका जवाब तुम्हारा बाप सूरज भान देगा। जख्मों के निशान डालकर अपनी मौत को बुलावा भेजा है। सूरज भान, अगर हम बुजदिल होते तो तुम्हारे बेटे की लाश की बदबू भी तुम तक न पहुंचती। और रही बात तुम्हारी और हमारी दुश्मनी की, उस दास्तान को भी हम आज ही खत्म कर देते हैं, तुझे मौत के घाट उतार कर। आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं ठीक हूं। सूरज भान, ठाकुर है तो छाती निकालकर सामने आ, फिर देख मैं कैसे छलनी करता हूं। राणा, आजमाना है तो आजमा। अगर तुझे दुश्मनी निभाने का शौक है तो सूरज भान कभी पीठ नहीं दिखाएगा। हथियार नीचे रख दीजिए।